विश्वास एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कहते हैं कि इसी एक छोटे से शब्द पे ही दुनिया कायम है। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी जिसका नाम है विश्वास, भरोसा। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ बीमार होती है और उस बच्चे का उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता है, ना ही उसके पिता और ना ही उसके कोई भाई बहन। उस बच्चे की माँ काफी बीमार होती है और हॉस्पिटल में होती है, और वो बच्चा काफी परेशान होता है और डॉक्टर से पूछता है कि मेरी माँ कब तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे खाना खिलाती है, मेरे लिए सब कुछ करती है, मेरा ध्यान रखती है, इसलिए मेरी माँ कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कहता है कि अब तो कुछ भगवान ही कर सकते हैं, तुम भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान ही अब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब कोई अपना हमारा साथ नहीं देता तो भगवान ही हमें सहारा देते हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो जल्द ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अब वो छोटा सा बालक भगवान को ढूंढने निकल जाता है और वो घर जाकर अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ता है और उसमें कुछ सिक्के निकलते हैं जो उसने जमा किए होते हैं। वो सिक्के लेकर वो एक दुकान वाले के पास जाता है और वो सिक्के देकर कहता है कि आपके पास भगवान है, और वो दुकानदार मना कर देता है। ऐसे ही कई दुकानदारों के पास वो जाता है। अंत में एक बुजुर्ग दुकानदार की दुकान में पहुंचता है और उसे सिक्के देकर बोलता है कि आपके पास भगवान मिलते हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके लिए मुझे भगवान चाहिए। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंदर जाकर एक बोतल पानी की लाता है और उस बच्चे को दे देता है, क्योंकि उन सिक्कों से कुछ और नहीं मिल सकता था। और वो बोतल उस बच्चे को दे देता है और बोलता है कि ये पानी अपनी माँ को पिला देना और फिर तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है वो बोतल लेकर पानी की, और पानी पिला देता है और उसकी माँ ठीक हो जाती है। और आश्चर्य की बात तब होती है जब हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया जाता है और डॉक्टर्स हाथ में बिल थमाते हुए बोलते हैं कि किसी बुजुर्ग ने आपका बिल पे कर दिया है, अब आपको बिल जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही वो बुजुर्ग एक चिट्ठी छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी प्रकार का धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल के पैसे इसलिए जमा कर रहा हूँ क्योंकि ईश्वर मुझसे करवा रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है भगवान ने किया है। आपका छोटा सा बच्चा हाथ में कुछ सिक्के लेकर भगवान को ढूंढ रहा था। उसने मुझे सिखाया कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है, श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है भगवान ने किया, इसलिए हॉस्पिटल का बिल मैं पे कर रहा हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, एक छोटे से बच्चे की जो काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है? और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर लिखें इस स्टोरी को लेकर। आप क्या सोचते हैं, क्या आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है? हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।